Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome to my channel Tutorial Point 2K16. So guys, continue करते हैं अपने PHP लाइव ट्रेनिंग सेशन में और आज हम बात करेंगे सर्चिंग के बारे में, आप किस तरीके से सर्च कर सकते हो PHP में। और यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम कोड पे चलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ए डालता हूँ और सर्च करता हूँ तो ये अजय ले आया और एडमिन ले आया। अगर मैं डालता हूँ बी तो ये कुछ लेके नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे सर्चिंग किसी एट्रीब्यूट पे चल रही है या फिर ईमेल पे चल रही है या फिर नेम पे चल रही है। मतलब सर्चिंग जो काम कर रही है वो किस हिसाब से काम कर रही है, किसी एट्रीब्यूट पे काम कर रही है जो डेटाबेस में परसिस्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कोड में किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ क्या सीखोगे, इमेज कैसे डिस्प्ले करवाए, क्योंकि आपको याद होगा हमने इमेज भी इंसर्ट करवाई थी। ठीक है, कब करवाई थी, इस वाले फॉर्म में जो हमने ये वाला वीडियो देखा था, इंसर्ट वाला। ठीक है, सो ये दो रिकॉर्ड अभी डेटाबेस से परसिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे और कैसे काम कर रहा है सर्चिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, वो आप देख लीजिएगा अभी। और मैं जैसे अजय लिखता हूँ यहाँ पे तो ये जो डिलीट का ऑप्शन देख रहे हो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, बट स्टिल यहाँ मैं आपको फिर दोबारा बता दूंगा। ठीक है गाइस, चलते हैं कोड पे एक बार। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो ये है कनेक्शन फाइल, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। और यहाँ पे आते हैं नीचे और डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, ये जैसा कि आप देख रहे हो डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है हमने, फॉर्म क्यों बनाया है मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट फील्ड ली है और एक बटन लिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे एक बटन है, तो उसके लिए हमने एक इनपुट फील्ड ले ली है। और इनपुट फील्ड के अंदर हमने क्या दिया है, txt सर्च, इसका यूज़ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और बटन दिया है। अब जैसे ही बटन प्रेस होगा, जैसे ही आप कुछ डालते हो इसके अंदर और बटन प्रेस करोगे तो मुझे ये वैल्यू कहीं रिसीव तो करनी होगी ना, तो मैं आपको बता दूँ मैंने कहाँ रिसीव की है ये। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये टेबल में कुछ आप देख रहे हो, सीरियल नंबर देख रहे हो, नेम देख रहे हो, ईमेल देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, एक्शन देख रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे आप टेबल बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ले लिया हमने और हम फिर बना रहे हैं यहाँ पे टेबल। और यहाँ पे देखिए PHP मैंने स्क्रिप्ट खोली है। यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो सबमिट बटन के अंदर मैंने एक नेम एट्रीब्यूट दिया है जिसका नाम है submit1। तो मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया कि जैसे submit1 पे क्लिक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और हमने क्या लिखा है, फिर जो भी हमने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डाली होगी उसको हमने यहाँ पे रिसीव किया और इस वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, नॉर्मल सिंपल PHP है ये। उसके बाद कौन मेथड जो आपका कनेक्शन है, जो आपने कनेक्शन क्रिएट किया है, उसका ऑब्जेक्ट से मैंने एक फंक्शन बुलाया जिसका नाम है क्वेरी। और वहाँ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर एफ नेम, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सर्चिंग कर रहा हूँ वो नेम के हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए लिखा है एफ नेम। और एफ नेम जो है वो डेटाबेस में एक कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लाइक। अब जब भी आपको पैटर्न मैच करना हो तो आप लाइक का यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्ट मैच करना हो तो आप लाइक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है सिंपल मॉड्यूल और जो आपका ये वेरिएबल है उसका नाम और फिर मॉड्यूलस। ठीक है, और अब क्या करेगा, जो भी आप डालोगे, ए डालोगे या एग्जैक्ट नाम डालोगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा एफ नेम के हिसाब से। अगर एफ नेम में वो एग्जिस्ट करता होगा तो वो ले आएगा। ठीक है, आप डालोगे खाली अजय तो वो अजय ले आएगा, देख रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोल 0 लिया है और यहाँ पर लूप चलाया है मैंने, क्योंकि जो भी डेटा आएगा वहाँ से वो एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में आएगा, की और वैल्यू की फॉर्म में। तो सिंपल मैंने क्या किया, जो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो एक इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी और इस ऑब्जेक्ट में मैंने फंक्शन बुलाया है fetch अंडरस्कोर एरे और यहाँ लिखा है mysql अंडरस्कोर आई एसोसिएटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी और वैल्यू की फॉर्म में आएगी और इस आर वेरिएबल के पास आ जाएगी। सो यहाँ पे गाइस मैंने सिंपल जो यहाँ पे 0 इनिशियलाइज किया था, मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट रो आई तो कंट्रोल की वैल्यू हो जाएगी 1, सेकंड रो आई तो हो जाएगी 2। तो यहाँ पे सिंपल मैंने वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा दी है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली एफ नेम, मुझे एफ नेम मिल जाएगा। इफ़ अगर वैल्यू आ रही है तो ये इको करेगा, अदरवाइज इको नहीं करेगा। यहाँ पे आप एल्स भी दे सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में वैसे ये वाली चीज़। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं आती तो आपने क्या दिखाना है। ठीक है, आपने सपोज आप ये दिखाना चाहते हो तो ये दिखा सकते हो अगर वैल्यू नहीं आती है तो। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली नेम के लिए भी और इमेज के लिए हमने क्या किया है, सिंपल इमेज टैग लिया है। और आपको पता है गाइस, जब हमने इंसर्ट करवाया था तो हमारी सारी इमेज एक अपलोड फोल्डर में गई थी। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ इमेज हमारी पड़ी हुई है। तो मैंने सिंपल अपलोड का ही पाथ दिया है यहाँ पर और फिर इमेज का नाम तो मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी इंसर्ट है, तो वो क्या करेगा मैं थोड़ा बताता हूँ लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे अपलोड फोल्डर में जाएगा, यहाँ से तो हमें डेटाबेस से वैल्यू मिल जाएगी, इमेज का नाम मिल जाएगा और वो फिर अपलोड फोल्डर के अंदर उस इमेज का नाम देखेगा और मिल जाएगी तो इमेज डिस्प्ले करवा देगा। विड्थ हाइट मैंने सिंपल यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक एंकर टैग लिया है डिलीट का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब बेसिकली अगर आपको एक पेज से वैल्यू दूसरे पेज में भेजनी हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या फिर आप क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करो जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क, या फिर आप यूज़ कर सकते हो हिडन फील्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, delete.php पे जाए, आईडी भेज रहे हैं हम, उस पर्टिकुलर रो की आईडी भेज रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक रो आई है, अगर मैं डिलीट पर जाता हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर पर देखिए कुछ आएगा, मेरे कर्सर को देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आईडी आ रही है 6। यहाँ पे देखिए आप आईडी आएगी 6, तो ये आईडी कहाँ भेज रहे हैं हम, delete.php के पास। ठीक है गाइस, बस हो गया। तो अब delete.php में ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। सो जैसे ही मुझे यहाँ आईडी रिसीव हो गई, देखिए आईडी रिसीव हुई, मैंने क्वेरी फायर की डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस, और फिर अगर आपने वापस record.php पे जाना है तो आप यहाँ पे हेडर का मेथड का यूज़ कर सकते हो। लोकेशन जैसे डिलीट कर देगा तो वापस record.php पे रहेगा। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा डिलीट तो ये record.php पे रहेगा। ठीक है, सो record.php में कुछ है ही नहीं। ठीक है गाइस, इंटरेस्टिंग। सो ये था गाइस सर्चिंग का कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोर्स कोड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है। यूआई पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं आज, सर्च.php हो गया, record.php हो गया और नॉर्मल जो index.php था वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा एडमिन, पूरा एडमिन समझेंगे हम, एडमिन कैसे काम कर रहा है, एडमिन कैसे काम कर रहा है पूरा देखेंगे हम। लॉगिन करना सीखेंगे, लॉगआउट करना सीखेंगे और स्टेटस एक्टिवेट डीएक्टिवेट कैसे करें वो हम चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो ये पार्ट अब रह गया है, इसको अब नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो और लगेंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको सब कुछ क्लियर होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।